मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आरपीएफ के कांस्टेबल कमलेश ठाकुर और जीआरपी के कांस्टेबल ने लोकल ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले को पकड़ा है, जिसका नाम अलीम फहीम अहमद शहीद 25 वर्षीय है, जो भिवंडी के प्रबुद्ध नगर एमआर मार्ग का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक ठाणे के रहने वाले फरियादी कैलाश रामचंद्रा पवार 30 वर्षीय जो कल्याण की तरफ लोकल ट्रेन से जा रहे थे, मगर मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद चोर का प्लेटफार्म नंबर एक पर हल्ला होने लगा, जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ के कांस्टेबल वहां पहुंच गए। लोगों को एक व्यक्ति पर चोरी का शक था, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चोरी से इनकार कर दिया। लोगों ने बताया कि चंद सेकंड चोरी हुआ है और ज्यादा भीड़ थी, जिसके बाद चोरी हुए मोबाइल पर फ़ोन लगाया गया तो जो व्यक्ति चोरी करने से इनकार कर रहा था उसी के जेब में मोबाइल फ़ोन बजने लगा, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया तो उसने अपना नाम अलीम फहीम अहमद सईद भिवंडी का रहने वाला बताया और ये भी बताया कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से चोरी तो कर लिया था मगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पाया और इसकी वजह से वो पकड़ा गया है। इस पर सब इंस्पेक्टर ए के यादव ने क्या जानकारी दी है। जो आरोपी पकड़ा गया है क्या किया था उसने? रोजाना की तरह डेट 22 अक्टूबर को हमारा स्टाफ कांस्टेबल कमलेश ठाकुर, जो एवनिंग शिफ्ट ड्यूटी में तैनात था, अप्रॉक्सीमेटली 8:30 के आसपास एक व्यक्ति नाम कैलाश रामचंद पवार, एज अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, जो विक्रोली से डोंबिवली जा रहा था, वो ट्रेन जब मुंब्रा प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आई तो उसमें से जनरल कोच में से पीछे से चोर चोर की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस पर हमारा स्टाफ कांस्टेबल कमलेश ठाकुर और जीआरपी स्टाफ मिलके साथ में जब दौड़ के वहाँ पे गए तो देखे कि एक व्यक्ति के साथ, पैसेंजर्स के साथ एक अन्य व्यक्ति का आपस में कुछ चल रहा था प्रॉब्लम्स। तो सामने खड़े वाले व्यक्ति ने बताया कि मेरे मोबाइल स्नैच किया इसने। तो इस पर वो व्यक्ति अपने को सर्च करने नहीं दे रहा था कि मैंने नहीं किया ऐसा बोल के। तो ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड स्टाफ ने दूसरे स्टाफ के मोबाइल, दूसरे पैसेंजर्स के मोबाइल से जब उस मोबाइल पर रिंग किया तो वो उसके ताबे में रिंग बजी, उसके पास से वो मोबाइल रिंग बजी। इस बेस पे जब उसको लेके ऑफिस में आके, मुंब्रा ऑफिस में आके पूछताछ किया गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसने स्नैच किया उसके मोबाइल। देखने पर मोबाइल ओप्पो कंपनी की थी, वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 उसकी रिकवरी की गई। बाद में उसके एक्सेप्टेशंस पे और फरियादी कंप्लेंट पे उस पर रॉबरी केस रजिस्टर किया। ये जो पकड़ा गया है चोर, ये कहाँ का रहने वाला है, फरियादी कहाँ का रहने वाले, नाम क्या है? मैं अलीम फहीम अहमद सैयद, एज अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स, ये आर ए मार्ग भिवंडी का रहने वाला है, जबकि फरियादी कैलाश रामचंद पवार, एज अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, ये लोकमान्य तिलक नगर शुभकामना सोसाइटी थाने ईस्ट का रहने वाला है। क्या मामला दर्ज किया गया? इस पर रॉबरी का केस रजिस्टर किया गया IPC 392। आरपीएफ और जीआरपी कांस्टेबल स्टेशन पर बड़ी ही मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, कई बार स्नैचर और अन्य घटनाओं को रोकने में कामयाब भी हुए हैं। आरोपी अलीम फहीम के खिलाफ रॉबरी का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।